हेलो बच्चों, लेट अस रीड दी क्वेश्चन क्वेश्चन सेज इफ इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन एक्स एक्स क्यूब, देन ऑप्शन ए एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑप्शन बी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑप्शन सी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू पॉइंट्स यहाँ पे ये एवरीवेयर एंड ऑप्शन बी एफेक्ट इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट वन पॉइंट तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा जैसे हमें किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ जब करते हैं तो हमारी जो पेन है वो बिल्कुल नहीं उठे तो वो फंक्शन हमारा कैसा होता है कंटिन्यूस होता है ये कैसा फंक्शन होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा जैसे ये एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन अगर उसके ग्राफ को बनाते हुए हमारी पेन नहीं उठती है बिल्कुल तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है और जैसे हमारा कोई ग्राफ है ये ग्राफ है और ग्राफ में कोई अगर कोई शार्प टर्न आ रहा है तो इस शार्प टर्न पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट शार्प टर्न एट शार्प टर्न हमारा फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा क्योंकि फंक्शन डिफ्रेंशियबल होने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है लेकिन जो शार्प एजेस होते हैं जहां पर पीक मिलती है वहां फंक्शन हमारा डिफ्रेंशियबल नहीं होता है तो अब हमें पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन कॉमा एक्स स्क् एक्स क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू मिनिमम ऑफ ये यहाँ पे ये यह हो जाएगा मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ कॉमा इसका हम ग्राफ बनाते हैं पहले तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा तो सबसे पहले ये वन यानि की इक्वल टू वन तो ये बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा अगर ये यहाँ पे वन है ये यहाँ पे माइनस बने है लेते हैं तो कैसा बनेगा और इधर ये वन और इधर ये माइनस वन तो ग्राफ हमारा बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के पैनल बनेगा ये एक्स ये बाई एक्सेस तो ये बिल्कुल पैनल बनेगा यहाँ पर फिर उसके अलावा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा अपवर्ड पैराबोला होगा तो हमारा ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह से ये हमारा पैराबोला हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला ये हो गया एक्स का ये हमारा था ये पूरा किसका बाईजिकल टू वन का यहाँ पे लिख लेते हैं वन का ग्राफ है और इसके अलावा एक्स क्यूब एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है तो इसका कर्व कैसा जाएगा ये कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसे ये आ जाएगा ये किसका है ये है एक्स क्यूब का ग्राफ तो अब हमें यहाँ पे इसको ठीक से लिखते हैं तो एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिनिमम वाले टर्म बताना है तो अगर हमारा एक्स इज लेस देन जीरो है तो इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा अगर हम इसमें x लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कोई नंबर हो गया तो अगर हम इसमें ये तो बन ही है और यहाँ पे अगर हम कोई नेगेटिव नंबर पुट करें जैसे कि माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा माइनस वन का होगा पॉजिटिव बन होगा हो और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन तो इसका तो मतलब क्या मिनिमम क्या आ रहा है इन तीनों में एक्स इज लेस जीरो के लिए एक्स क्यूब आ रहा है ऐसे ही हम जीरो से लेके बन के जीरो से लेके बन के बीच में एक्स की वैल्यू चेक करें तो तो क्या मिलेगा हमें जैसे कि हम इसके बीच में कोई डेसिमल नंबर ले सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव है तो अब हमें पता है की जीरो पॉइंट फाइव करेंगे तो और छोटी आएगी। जैसे की जीरो पॉइंट टू फाइव क्यूब करेंगे तो और छोटी डिजिट आएगी अगर पावर फोर करेंगे तो और छोटी डिजिट आएगी मतलब जितनी छोटी संख्या का हम जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वो उतनी ही छोटी डिजिट आती जाती है तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हमारा मिनिमम हो जाएगा और एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए तो ये तो है ही हमारा मिनिमम ये यहाँ पे वन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से हमारा जो ग्राफ आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए हमारा ग्राफ कैसा है वन आएगा यानी कि यहाँ तक के लिए ये आएगा जीरो से लेके वन के, के बीच में ये एक्स क्यूब आएगा यानी कि ये हमारा ये वाला ग्राफ आएगा ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ आएगा और लेस देन जीरो के लिए कौन सा आएगा ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ आएगा तो कुल मिला के हमारा इस तरह से ये ग्राफ आएगा तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है चेक करते हैं ऑप्शंस में तो यहाँ पे ऑप्शन एक है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर तो फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस है क्योंकि जो हमारा एक्चुअल ग्राफ आया है वो कैसा ग्राफ आया है ये कुछ इस तरह का ग्राफ आया है यहाँ पे ऐसा फिर ऐसा तो इसको इसको बनाने के लिए हमें अपनी पेन नहीं उठानी पड़ी तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमारा ये वाला वो कैसा है कंटिन्यूअस है एवरीवेयर तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है ऑप्शन बी कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशियबल एवरीवेयर तो डिफरेंशियबल तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये यह हमें यहाँ पे एक शार्प टर्न मिल रहा है और शार्प टर्न पर फंक्शन डिफ्रेंशियबल नहीं होता है तो इस तरह से हमारा ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन सी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट टू पॉइंट टू पॉइंट तो जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट आएगा वन कमा वन पॉइंट आएगा हमारा ये वाला जो पॉइंट आएगा कौन सा आएगा वन कमा वन तो सिर्फ एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए ऑप्शन ए एंड d r correct r correct hope you understood well best of luck